और जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल का फिर एक कारनामा सामने आया है, जहां डॉक्टरों और नर्स की लापरवाही का खामियाजा महिला को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दरअसल शंकरपुर की 45 साल की श्रीमती चंदाबाई पति दीपक वर्मा शुगर पेशेंट थी और शुक्रवार की रात उसे सीने में दर्द उठा। पति दीपक वर्मा ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां नाइट ड्यूटी में नर्स ने दर्द की दवा और इंजेक्शन दी। शनिवार को डॉक्टर ने महिला के पति से कहा कि बीपी ठीक है और दवाई लिखकर घर ले जाने की सलाह दी। डॉक्टर के कहने पर महिला को घर ले जाया गया। वहीं रात को करीब 12:15 बजे फिर से महिला के सीने में दर्द उठा और उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। गंभीर स्थिति देखकर दौड़े भागे परिजनों ने इस बार पुराना बस स्टैंड स्थित यूनाइटेड अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने महिला का ईसीजी किया तो जांच रिपोर्ट में सीने में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर और सांस लेने में दिक्कतें सामने आई। रिपोर्ट के आधार पर इलाज हुआ और रविवार शाम महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं मृतिका के पति का कहना है कि मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही के कारण पत्नी की मौत हुई है। अगर सही समय पर पत्नी की बीमारी का इलाज होता और बीमारी का पता चलता तो आज उनकी पत्नी जिंदा होती। वहीं दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी कही। शुक्रवार को लाया मैं 9:30 के बीच में मेन हॉस्पिटल ले गया था भर्ती करवाने। भर्ती किया है और भर्ती करने के बाद में वहाँ रखा। रखने के बाद में रात भर रहे और रात भरने के बाद में दोपहर में छुट्टी दे दिया कल शनिवार को। बीपी नॉर्मल है, ठीक है करके, उसको कोई फिक्र नहीं है करके गोली वोली लिख के दिया तो गोली में ठीक हो जाएगा करके। फिर हम लोग वहाँ छुट्टी फार्म बनवा के वापस ला लिए, छुट्टी दिया हम लोग। छुट्टी देने के बाद वापस लाए, हम लोग घर ला लिए। अब घर लाने के बाद में फिर शाम को उसका वैसे के वैसे था। फिर शाम को आए, फिर लाए हम लोग और यहाँ वहाँ और लेकर गए। जाएंगे बोले, बाकी नहीं जाऊँगा बोला मरीज जो, नहीं जाऊँगा बोल दिया। वहाँ ये करते हैं करके फिर इधर उधर लाए हम लोग, फिर यहीं ला के एडमिशन किए। यहाँ पूरा ठीक है हुआ, फिर मालूम पड़ा गया ऐसा ऐसा था करके। आपको लगता है कि मैं हॉस्पिटल में आपकी लापरवाही हुई है? आपको बताया नहीं क्या बीमारी? पेशेंट श्रीमती चंदाबाई वर्मा कल रात 9:25 पर हॉस्पिटल में लाई गई। जांच करने पे पता चला कि उसको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ हाई था। ईसीजी कराने के बाद पता चला कि उसको एक्यूट एंट्रोलेटरल इन्फार्क्ट मतलब हार्ट अटैक था। उसी आधार पे उसको एडमिट करके उपचार किया गया है। आज सुबह कंफर्टेबल थी वो, दोपहर में अचानक फिर से एक अटैक आया है उसको और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ है जिसमें सडन उसकी डेथ हुई है। हाँ, मुझे वैसे जानकारी मिली है, परंतु मैं पूरी केस टिकट और डॉक्टर से मतलब बात करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद ही बता पाऊंगा कि वजह क्या थी उसकी, क्यों उसे डिस्चार्ज किया गया और क्या वजह रही उसकी। ये इस काम और इस हॉस्पिटल में मतलब कसावट लाने के लिए क्या करेंगे सर? नहीं, कसावट तो है ही, और यहाँ इतनी भीड़ है, डॉक्टर अपने हिसाब से काम करते हैं, कभी कभी जजमेंट ऑफ एरर हो सकता है, बहुत सी दूसरी बातें होती है। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। और राजनांदगांव जिले में पिछले दिनों शक्कर से भरे ट्रक के चोरी के मामले में पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने चोरी में शामिल